हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री नायब सैनी एक्शन मोड में है। सीएम सैनी चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश की जनता खासकर नौजवानों से किए अपने वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने हरियाणा दिवस के अवसर पर सूबे के शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। नायब सैनी सरकार ने शिक्षा विभाग में 400 से ज्यादा शिक्षकों को प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट किया। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 707 नवनियुक्त क्लर्कों को भी विभिन्न स्कूल अलॉट किए गए हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के इस कदम से हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल स्तर पर व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। शिक्षा के साथ नायब सैनी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर भी ठोस कदम उठा रही है। यही वजह है कि बीते 30 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने 36 पुलिस अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया था। इसके अलावा सरकार ने पुलिस विभाग में तैनात 23 इंस्पेक्टर को प्रमोशन कर DSP बनाया। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से हरियाणा के अलग अलग इलाकों में लूटपाट की खबरों ने सूबे के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार पर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर भारी दबाव है। प्रदेश सरकार के इस कदम से ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कई बड़े अहम फैसले देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि इस बार बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है। नायब सिंह सैनी को दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।